और इस वक्त मैं उस सत्संग स्थल पर हूँ जो देखते ही देखते मौत का स्थल बन गया। जी, मेरे पीछे ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं जरा, वो पंडाल का कुछ टूटा बिखरा हिस्सा अभी भी नजर आ रहा है। वो पीले रंग का बड़ा बैनर अभी भी लगा हुआ नजर आ रहा है, जिसके बीचों बीच भोले बाबा की तस्वीर है और वहां साफ शब्दों में लिखा गया है किस तरीके से यहां सत्संग की तैयारी है। इसी सत्संग में शामिल होने के लिए न सिर्फ हाथरस, जहां पर ये पंडाल बनाया गया और जिसमें अनगिनत श्रद्धालु शामिल होंगे, ये कहकर इजाजत ली गई सत्संग की, हजारों की तादाद में लोगों को यहां जोड़ा गया और इसका नतीजा ये कि देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और फिर जो हादसा हुआ उसके बारे में आप और हम सब जानते हैं कि कैसे अब तक 121 जिंदगियों को ये हादसा लील चुका है। आप देख रहे हैं मुझे, मैं इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हूँ, मेरे हाथ में ये छाता है क्योंकि यहाँ हाथरस में बहुत तेज बारिश हो रही है और इस बारिश को देखकर इस वक्त एहसास ये हो रहा है जैसे यहाँ की जो लोगों की दर्द और चीखों पुकार थी उसने शायद आसमान का सीना ऐसा छलनी कर दिया कि आसमान आज बरस पड़ा है। ये पानी बरस रहा है और लग ऐसा रहा है जैसे आसमान रो रहा है, आसमान से भी ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। 121 लोगों की जान चली गई, आप जरा एहसास कीजिए 121 लोगों की जान जाने का मतलब क्या है। 121 परिवार उजड़ गए। मैं आपको तस्वीर दिखाकर जरा समझाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये हादसा हुआ है। तो ये तो वो घटना स्थल है, सत्संग स्थल, जहाँ पर सत्संग चल रहा था, यहीं पर हजारों की तादाद में भीड़ मौजूद थी और देखते ही देखते जब ये सत्संग खत्म हुआ और बाबा यहाँ सत्संग करने के बाद बाहर निकले तो फिर बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु थे उनके पीछे पीछे वो दौड़े, उनकी गाड़ी को फॉलो करते करते, गाड़ी इधर सड़क पर आ गई थी और वो श्रद्धालु यहाँ दौड़े। ये जो पूरी सड़क है, यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियाँ पार्क थी और उसी से बीच से जब लोगों का रेला निकल कर आया तो जरा कैमरामैन दूसरी तरफ दिखाएं, ये देखिए मैं दूसरा हिस्सा दिखाती हूँ आपको, इस तरफ का ये पूरा हिस्सा है और यहाँ पर फिसलन देखिए, जमीन देखिए किस तरीके से कीचड़ मिट्टी, एक दिन पहले भी यहाँ पर बारिश हुई थी और लोगों का पैर फिसला और देखते ही देखते एक के ऊपर एक लोग चढ़ते चले गए। और इसी की वजह से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, FIR इस मामले में दर्ज हुई है और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है पुलिस ने इस मामले में जो FIR दर्ज की है, हैरान हो जाएंगे आप ये जानकर कि उसमें भोले बाबा का नाम दूर दूर तक नहीं है। FIR में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया है जो बाबा का मुख्य सेवादार बताया जा रहा है। बाबा का नाम इस FIR में क्यों नहीं है, ये सवाल लोगों के मन में है क्योंकि कल से ही ABP न्यूज इस बड़ी खबर पर कवरेज पर बना हुआ है और कल से ही हम आपको बता ये कहा जा रहा बाबा के नाम पर FIR दर्ज होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बाबा की तरफ से ली गई थी। जो आयोजकों ने इजाजत मांगी थी उसमें यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खुद आयोजकों ने कहा था कि वो जिम्मेदार होंगे और ये दलील प्रशासन की तरफ से भी दी जा रही है कि साहब हमारी जिम्मेदारी तो बाहर की तरफ थी, अंदर की तरफ तो जिम्मेदारी खुद आयोजकों ने ली थी लेकिन वो जिम्मेदारी तो निभा नहीं पाए ना वो, और ऐसे में सिर्फ जो मुख्य सेवादार है उस पर FIR दर्ज करना और बाबा का नाम उसमें ना होना, ये तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और ऐसे में अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद है, वीरेश पांडे एटा जिला अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं, रविकांत मैनपुरी में जो कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट है वहां से हमारे साथ है, दीपक रावत हाथरस के बगला मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हैं, मेघा उपाध्याय अलीगढ़ के अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रही है। आप सोच रहे होंगे ये अलग अलग जिले, जी ये अलग अलग जिले हैं और इस वजह से है क्योंकि हाथरस के आसपास के ये तमाम जिले जहां से यहां श्रद्धालु पहुंचे थे सत्संग सुनने के लिए, मतलब सिर्फ हाथरस को ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से को इस हादसे ने चोट पहुंचाई है और पूरे न सिर्फ उत्तर प्रदेश देश बल्कि दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलती हूँ वीरेश पांडे के पास और जरा जानते हैं वीरेश पांडे से, FIR दर्ज हो रही है, क्या खानापूर्ति की जा रही है, बाबा का नाम इसमें क्यों नहीं? वीरेश देखिए, एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दूं जो अभी अभी आई है, सूचना विभाग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हाथरस के लिए रवाना हो गए, यानी पांच कालिदास
पर अपने सूचना विभाग के अधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पांच कालिदास आवास से हाथरस के लिए यानी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। और रही बात आपने जो सवाल खड़ा किए, उन्हीं सवाल और जवाब को जानने, उन्हीं रिपोर्ट्स को जानने समझने के लिए मुख्यमंत्री घटनास्थल पर होंगे और जो घायल हैं उनके परिजनों से रूबरू होंगे और जो घायल हैं उनसे मिलेंगे। उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जो प्रशांत कुमार और मनोज कुमार सिंह जो मुख्य सचिव हैं इकट्ठा करके रात से रखे हुए हैं और जो उनके मंत्री हैं लक्ष्मी चौधरी और असीम अरुण और संदीप सिंह जिन्हें मुख्यमंत्री ने कल आनन फानन में भेजा था, इन अधिकारियों और इन मंत्रियों से मुख्यमंत्री रिपोर्ट तलब करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देनी है। इन सभी को मुख्यमंत्री ने कल भेजा था तो हिदायत दी थी। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं, यातायात की व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं, साथ ही साथ अगर अनुमति दी गई तो जिला प्रशासन क्या कर रहा था, इतनी लाखों की भीड़ हो गई, अनुमति 80,000 की और 5 लाख के करीब वहां पर श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। सवाल बहुत है वीरेश, एक एक कर इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।